हाय, वेलकम टू अनी फैशन। हम कई बार सूट या ब्लाउज तो बना लेते हैं, पर डिज़ाइन के लिए सोचते हैं कि लटकन लगाएं या फैंसी बटन तो और भी अच्छा लगता, लेकिन मार्केट जाने का समय नहीं है। तो इस सिचुएशन में हम पोटली बटन, फैंसी बटन और लटकन कैसे तैयार करते हैं, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखें और हमें सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा। चलिए दिखाते हैं पोटली बटन कैसे बनते हैं और सूट पर कैसे लगाया जाता है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं पोटली बटन किस तरीके से बनते हैं। ये हमने बटन के लिए कपड़ा काट के रखा हुआ है, छोटे छोटे पीस करके रखे हुए हैं, और ये हमने फॉर्म लिया है। इसको हम इसके अंदर इस तरीके से भर करके इसमें इस तरीके से हम बटन बनाएंगे, इस तरीके से हमने ये भर करके इसको गोल कर लिया। और ये हमने कपड़ा लिया है, कपड़े के ऊपर इस तरीके से रखेंगे इसको और इस तरीके से पकड़ लेंगे, गोलाई करेंगे, इस तरीके से गोलाई कर लेंगे। और अब हम चारों तरफ से धागे से इसको बांधेंगे, इस तरीके से बांधेंगे इसको, अब जैसे ये गोल हो जाए। इस तरीके से हमने ये बना दिया है। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कट कर देंगे। ये हमने कट कर दिया है। अब इसको जो है धागे से बांध करके, डोरी वाले धागे से इसको लहंगे में लगा सकते हैं साइड में। अब हम दिखाएंगे, जैसे इस बटन को हम सूट के मैच से बनाएंगे, किस तरीके से इसको इस तरीके से इसके अंदर डाल करके कपड़े के अंदर, और इस तरीके से इसको हम जैसे बटन का आकार है उसी तरीके से इसको कपड़े को फोल्ड करते हुए इस तरीके से कर लेंगे। और फिर उसके बाद हम धागे से इस तरीके से इसको लपेटेंगे। ये हमने सूट के कलर का बटन बना दिया है। अब हम ये एक्स्ट्रा कपड़ा हम कटिंग कर देंगे। ये हमने कटिंग कर दिया है। अब हम दूसरा बटन भी बनाएंगे। ये बटन हमने लिया है, इसको भी हम इसी तरीके से इसके अंदर रख करके कपड़े को, और सूट के हिसाब से जैसे कलर है उसी तरीके से हम इसको भी, बटन को भी बना लेंगे इस तरीके से, बराबर से कर लेंगे। और फिर उसके बाद धागे से इसको इस तरीके से बना लेंगे। ये हमने बना दिया है। अब ये हम इस तरफ से कपड़े को कट कर लेंगे। ये हमने बटन बना दिया। ये हमने छोटे छोटे पीस कर लिए हैं इसके, इस तरीके से। ये हमने इसकी चौड़ाई रखी है 2.5-2.5 इंच इनकी,
जो छोटे छोटे पीस काटे हैं, इसकी हमने चौड़ाई रखी है 2.5-2.5 इंच। अब इसको हम बताएंगे किस तरीके से बनाना है। सबसे पहले हमने ये टुकड़े काट लिए हैं कपड़े के, और फिर उसके बाद ये हमने फॉर्म ली है। इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। ये हमने जैसे गोल बना लिया है, गोली की तरह, इसको गोली की तरह बना लेंगे। और फिर उसके बाद अब हम उल्टी साइड, ध्यान रहे उल्टी साइड, इसको हम रखेंगे और इस तरीके से इसको रख करके और ऊपर की तरफ पलट लेंगे। ये हमने इस तरीके से कपड़े को इस तरीके से घुमा करके ये हमने फोल्ड करा है। ये हमने इस तरीके से गोलियां बनानी है पोटली बटन के लिए। अब हम ये हमने धागा लिया, इसको हम धागे को इसके ऊपर लपेटेंगे। इस तरीके से ये एक बटन हमने बना दिया है, और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा, इसको हम काट के निकाल देंगे। ये हमने पोटली बटन बना दिया। ऐसे ही बटन बनाना है। इस तरीके के बटन आप बना सकते हो। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं पोटली बटन लगाते कैसे हैं। इसको हटा करके ये बूट लगाएंगे, ये सिंगल बूट होता है। ये हमने पोटली बटन बना दिया है। ये हमने फॉर्म लगा करके गोली बनाई थी, जो इसके अंदर हमने फॉर्म लगा करके बटन बना दिया है, और ये हमने धागे से बांध दिया है इसको, और एक्स्ट्रा कपड़ा जो था ये हमने कटिंग करके निकाल दिया है। और इस तरीके से हमने ये 6-7 जो हमने पोटली बटन बना लिए हैं। अब हम दिखाएंगे आपको गले में किस तरीके से लगाना है। ये गला है, इसमें हम बटन लगाएंगे राइट साइड की तरफ से। जो हमारा राइट साइड हाथ है, उस तरफ से हम बटन लगाएंगे। सबसे पहले इस तरीके से लगाएंगे। ये हमने बटन लिया एक, और इसको हम इस तरीके से रखेंगे, इस तरीके से रखेंगे, इसको इस तरीके से रखेंगे, और सिलाई लगाएंगे इसके किनारे। एक साइड लगा दिया एक बटन। अब हम दूसरा भी बटन लगाने जा रहे हैं। इसका गैप, दोनों बटनों का गैप होना चाहिए 1-1 इंच। इस तरीके से हम 1-1 इंच के गैप में बटन लगाते जाएंगे। इस तरीके से 1-1 इंच के गैप में हम बटन लगाते जाएंगे। दोनों में 1-1 इंच का गैप होना चाहिए। इस तरीके से लगाते जाएंगे नीचे तक 1-1 इंच के गैप में।
हमने पोटली बटन लगा दिए हैं इस तरीके से ये हमने पोटली बटन लगा दिए हैं। अब हम इसको बंद करने के लिए एक पट्टी काटेंगे कपड़े की। कपड़े लिया है, कपड़े से अब हम पट्टी काटेंगे, कम से कम 2 इंच चौड़ी इस तरीके से काटेंगे। ये पट्टी हमने काट दी है, इस पट्टी को हम इस तरीके से इसको डबल कर लेंगे और किनारे सिलाई लगाएंगे। ये हमने सिलाई लगा करके पट्टी तैयार कर ली है। अब इसको हम इसके ऊपर इस तरीके से गले को रखेंगे इस तरीके से, और इसके किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे। ये हमने एक साइड पट्टी लगा दी है। अब हमने जो इस साइड हमने ये पट्टी छोड़ी हुई है, इसको हम इस तरीके से दूसरी साइड जॉइंट करेंगे और इस तरीके से जॉइंट करेंगे और किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे इसके। ध्यान रहे बटन के ऊपर ना चढ़े। इस तरीके से इसको बटन को ऊपर करते हुए और पट्टी के दबाते हुए नीचे को किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे इसके किनारे किनारे।